देखिए कल के क्लास में हम लोग ये देखिए क्लास 9 में गति में हम लोग हैं, फिजिक्स में पार्ट 5 है मेरा वीडियो। कल के क्लास में हम लोगों ने दूरी समय ग्राफ पढ़ा था। दूरी समय ग्राफ में हमने बताया था कि दूरी समय ग्राफ से क्या निकलता है, चाल। क्या निकलता है बच्चों? चाल। और उसमें मैंने बताया था कि एक समान चाल के लिए ग्राफ जब खींचते हैं तो सरल रेखा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सरल रेखा। और उसमें जब हम चाल निकालेंगे बच्चों तो ढाल से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ढाल से। फिर मैंने उसमें बताया था कि वस्तु जब स्थिर रहेगा तो दूरी समय ग्राफ में तो क्या हो जाएगा, एकदम सरल रेखा, ऐसे दूरी समय नीचे रहेगा और दूरी इधर रहेगा, तो ऐसे रहेगा स्थिर वस्तु का, बताए थे ना। और असमान जब चाल रहेगा बच्चों तो ऐसे बताए थे वक्र होगा, एक समान चाल होगा तो मैंने बताया था कि ऐसे रहेगा। और फिर मैंने बताया था कि एक ग्राफ ऐसा कोई खींच के बताएगा तो इसको कहना गलत है, ये ग्राफ क्या है, गलत है। पिछला क्लास में बताया थे रेशम। अब हम आज आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, इसमें बता रहे हैं कि चाल समय ग्राफ क्या होता है, इससे हमें क्या प्राप्त होगा और चाल समय ग्राफ से कोई भी चीज जो प्राप्त होता है उसको कैसे निकाला जाता है। हाँ, अभी पूछेंगे भी खड़ा करके जो हल्ला कर रहा है लेकर। तो चाल समय ग्राफ, इस ग्राफ से दूरी निकालते हैं, क्या निकलता है, दूरी। उसमें भी बताए थे तीन ही चीज बताया जी, कि दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो पिछला में कौन चीज तू पढ़ी थी, दूरी समय ग्राफ पढ़ी थी। दूरी समय के बाद बचा था चाल, अबरी हो गया चाल समय ग्राफ, चाल समय के बाद बचा कौन चीज, दूरी। चाल समय ग्राफ से कोई पूछे क्या निकलता है, कुछ कहेगी दूरी कहेगी, बहुत आसान है, हैं? अब सिर्फ कैसे निकलता है, तो भैया ग्राफ में जो आकृति बनेगा ना एक साथ पर, चाहे वो त्रिभुज बनेगा, चाहे वो आयत बनेगा, चाहे वर्ग बनेगा, चाहे समलंब चतुर्भुज बनेगा, कोनो आकृति जो बनेगा ना, हवे आकृति वाके जब क्षेत्रफल निकाल देंगे तो उसी से दूरी ज्ञात हो जाएगा। कौची में चाल समय ग्राफ में। अब कैसे निकलेगा वो चार वो तीन गो उदाहरण सामने दिखा के बताते हैं, है ना। पहला उदाहरण है कि ये जो आधार हमने बताया था ना कि एक अक्ष पर स्वतंत्र राशि जो है वो समय होती है, उसको दिखाते हैं तो 10 सेकंड में दिखा रहे हैं, 10, 20, 30, 40। और इधर देखो वाई अक्ष पर दिखा रहे हैं 5, 10, 15, 20, 25 मीटर प्रति सेकंड। अब इस वस्तु में क्या है कि इसकी जो चाल है ना भैया, समय देखिए 0, 10, 20, 30, 40 हर बार समय बदल रही है, लेकिन इसकी चाल बदल नहीं रही है। ये देखिए चाल समय ग्राफ में ऐसा ग्राफ है कि ये जब 20 मीटर प्रति सेकंड है ना तो 20 मीटर प्रति सेकंड चल रही है, तो ये 10 सेकंड से 40 सेकंड के बीच में अगर इस वस्तु की तय की गई दूरी निकालनी है तो 10 से इसे क्रॉस करा दिए, 40 से इसे क्रॉस करा दिए, अरे तो 20 सही है, इसका चाल तो बढ़ ही नहीं रहा है, एक जैसा है, है ना। तो अब आपको कोई कह देगा कि 20 से 40 निकाल, तो 20 के सामने से डिग्री पार के 40 से पढ़िएगा, समझ में आ रहा है बात। इसमें एक आकृति बन गया ए बी सी डी। तो अब यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक अभी आयत हो गया, कैसे बन गया आयत, तो आयत हो गया, इसकी लंबाई निकाल लीजिए 40 यहाँ है 10 यहाँ, 40 से 10 गया तो 30 हो गया, और हाई वाला चौड़ाई निकाल लीजिए, ये वाला 20 है 0 है 20 में 0 गया 20 हो जाएगा। अब आपके पास लंबाई और चौड़ाई मालूम हो गया तो आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, ए बी गुने सी बी है ना, 40 घटाओ 10 गुने 20 गुने 20 0, 30 गुने 20, समझ रहे हैं बात को, एक सेकंड है, एक मीटर प्रति सेकंड है, तो सेकंड सेकंड खत्म हो जाएगा तो मीटर में बचेगा, 600 मीटर हो गया इसके द्वारा तय की गई दूरी। पहला तो आपको समझ में आ गया। दूसरा देखिए, अगर इस वस्तु की चाल जो है वो 0 सेकंड में 0 थी, अब 20 सेकंड आते हैं तो इसकी चाल हो गई 15 मीटर प्रति सेकंड, और फिर देखिए 30 हो गया, 30 सेकंड जाते तो 0 हो गया इसका चाल, तो इससे कैसा आकृति बन गया, त्रिभुजाकार। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, तब एक बड़ा ट्विस्ट आधार की ऊंचाई का आधार 30 रहेगा और ऊंचाई 15 रहेगा। यहाँ देखिए 30 घटा 0 बोले 15 घटा 0 करे हैं, तो यहाँ हो गया 30 सेकंड, हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड, तो सेकंड सेकंड कैंसिल, तो मीटर 215 बार 15 225 मीटर। तो इसमें इसमें पिंड द्वारा या वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई, 225 मीटर हो गई, हो गई कि नहीं हो गई। अब देखिए तीसरा इधर दिखाइए, तो इसमें देखिए हाईलाइट लगेगा नहीं ज्यादा, समय जो है इसमें समय का ग्राफ दिखा रहे हैं एक सच पर कि 0 से 10 20 30 40 देखिए यहाँ ध्यान से, 0 से इसकी चाल बढ़ के 15
मीटर प्रति सेकंड हो गई 20 सेकंड में, है ना, बढ़ी 0 से 20 सेकंड में इसकी चाल क्या हो गई, बढ़ी, है ना। अब फिर देखिए QR जो है मतलब कि 20 सेकंड से 40 सेकंड के बीच में इसकी चाल जो है एक समान रही है, कितना रही है 15 मीटर प्रति सेकंड, कितना रहा है 15 मीटर प्रति सेकंड। R से S तक मतलब कि 40 से 60 सेकंड के बीच में इसका चाल घट के 0 हो गया है। तो इस तरह से आकृति एक बन रहा है, कौन सा आकृति है, इसका P नाम रख दिया QRS, PQRS एक समलंब चतुर्भुज हो गया। कोई पूछेगा कि कितना से कितना समय में इसका चाल बढ़ रहा है, तो 0 से 20 सेकंड में चाल बढ़ रहा है। कब इसका चाल एक समान है, तो 20 सेकंड से 40 सेकंड के बीच में इसका एक समान है। कब इसका चाल घट रहा है, तो 40 सेकंड से 60 सेकंड में चाल घट रहा है, समझ में रहा है। तो यहाँ क्यू आर की लंबाई निकाल लिए, 40 में से 20 घटा कर 20 हो गया, अभी पूरा तो 60 होगा ना, 60 में से 0 आएगा तो हाई ऊंचाई को निकाल लेंगे तो 15 में 0 आएगा 15, तो डायरेक्ट अब समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकाले, गुणे टूटी समान दो का योग गुणे की ऊंचाई एक गुणे दो गुणे क्यू आर प्लस पी एस, क्यू आर प्लस पी एस, समझ रहे हैं ना, हाँ। और इंटू क्यू टी कर दीजिए, क्यू टी चाहे आर यू लिख सकते हैं, तो 20 प्लस 60 गुणे 15, अब 20 60 80, 2 से 40 कट गया, 15 जो 60, तो 600 मीटर हो गया, समझ में आ रहा है बात। कुल मिला के हमने आज पढ़ा दूरी ए, चाल समय ग्राफ, और उसमें चाल समय ग्राफ से क्या निकलता है, कैसे निकलता है, उसके आकृति के क्षेत्रफल निकाल के, जो आकृति बनेगा उसका क्षेत्रफल निकाल के, समझ में आ रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताए हैं। चलिए देख लीजिएगा एक बार वीडियो से भी, है ना, बढ़िया से इसको रिकॉर्ड कर दीजिए, चलिए थोड़ा शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करवाइए चैनल को, तब ना धीरे धीरे और आगे की व्यवस्था होगा, है।